आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि कोचिंग क्लासेस को जल्द से जल्द शुरू करने की अनुमति दी जाए। दलील दी कि कोचिंग क्लास बंद होने से विद्यार्थियों का काफी नुकसान हो रहा है। कोचिंग क्लासेस बंद होने से राज्य के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा में पिछड़ जाएंगे। कोचिंग क्लासेस बंद होने से राज्य के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की होने वाली प्रवेश परीक्षा में पिछड़ जाएंगे। शनिवार को एसोसिएशन की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीकांत बोंद्रे ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही कोचिंग क्लासेस के संगठन की ओर से लगातार राज्य सरकार से यह मांग की जा रही है। अब तक सरकार के 16 मंत्रियों को इस संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन किसी से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कोविड संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने स्कूल व कॉलेज के साथ ही धार्मिक स्थल व मॉल शुरू करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोचिंग क्लासेस को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। यह सभी के समझ से परे है। जबकि कोचिंग क्लासेस के भरोसे पर विद्यार्थी बोर्ड व अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पत्र परिषद में एसोसिएशन के सचिव पनिनी तेलंग, कोषाध्यक्ष डॉक्टर समीर फाले, सह सचिव विराग मिटकरी, कार्यकारी सदस्य जगदीश अग्रवाल प्रमुखता से उपस्थित थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले एक महीने में सरकार के लगभग 16 मंत्रियों को निवेदन दिया जा चुका है। अब तो हमें ऐसा लगने लग गया है कि सरकार को शायद ये लिखी हुई भाषा नहीं समझती है। हमें ये भी मालूम है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के कार्टूनिस्ट थे। हमारे अभी के सीएम ये कार्टून देख देख कर बड़े हुए, शायद वो भाषा वो अच्छे से समझे ऐसा हमें लगा। और इसीलिए हम लोगों ने हमारी रेखा को आपके आगे रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर हम लोग 15 लाख कोचिंग क्लासेस और हर कोचिंग क्लास में 10 एम्प्लॉइज अगर है तो 1.5 लाख और वो 10 पकड़ते हैं तो 15 लाख ये डायरेक्टली कोचिंग क्लास से एसोसिएटेड ऐसे लोग पूरे महाराष्ट्र के अंदर है। 15 लाख परिवार, हर परिवार में लगभग लगभग दोस्तों 5 सदस्य अगर पकड़ेंगे तो 75 लाख लोगों का रोजी रोटी इसके ऊपर चलती है। ये तो डायरेक्ट बात होगी। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस को अलग अलग फैसिलिटीज देने वाले कई और बिजनेसेस हैं। प्रिंटिंग जो होता है, कॉपी किताबें, वो जो पब्लिशिंग हाउस जो होते हैं, वो उन लोगों का व्यवसाय हमसे जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट यूज कर रहे हैं, उससे कई लोगों का व्यवसाय जुड़ा है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होती है, उनका व्यवसाय वहाँ पर जुड़ा हुआ है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में साफ सफाई कर्मचारी, तो वो जो वेंडर्स होते हैं उनका व्यवसाय वहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इतना ही साहब, आप अगर सोचेंगे तो आपका भी व्यवसाय में कुछ ना कुछ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप लोगों को तो आपकी खुद की बैलेंस शीट देखकर पता चल जाएगा कि कितना असर आ जाएगा। तो हमारे बैलेंस शीट के ऊपर क्या आएगा, क्योंकि कोचिंग तो एक पार्ट है जिसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर मीडिया के जरिए या बाकी मीडिया के जरिए जाता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, BCN न्यूज़, नागपुर।